हेलो गाइस, आज का सेशन में हम लोग डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव का ऑपरेशनल प्रोसीड्योर आज समझाएंगे। 3-4 मिनट 5 मिनट का वीडियो होगा मैक्सिमम। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ जानने का है, बहुत नॉलेजेबल है, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। ओके, सो आप स्क्रीन में जो लोकोमोटिव देख सकते हैं, ये लोकोमोटिव 650 हॉर्स पावर का है एंड इसमें जो इंजिन है ये 4-स्ट्रोक टर्बोचार्जर V12 इंजिन है, जो जिसका 650 हॉर्स पावर का टोटल फुल इंजिन है और करीब करीब 545 किलोवाट के करीब आउटपुट देता है ये। ओके, सो एंड इसमें एक ट्रांसमिशन भी है किलोस्कर का, एक कंप्रेसर है एंड गियर बॉक्सेस है। सो इसमें जो ट्रांसमिशन यूज किया गया है, ट्रांसमिशन हाइड्रोडायनेमिक ट्रांसमिशन है। ओके, इस लोकोमोटिव में ट्रांसमिशन का यूजेस है लोकोमोटिव को फॉरवर्ड रिवर्सिंग करने के लिए ट्रांसमिशन को इंस्टॉल किया गया है। आप जो ये अभी देख रहे हो, ये लोकोमोटिव का केबिन है टोटल, इधर से ऑपरेट किया जाता है लोकोमोटिव को। ओके, सो आप जो सब देख रहे हो ये सब टोटल पैरामीटर्स है। इसमें एग्जॉस्ट टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, लोअर प्रेशर, वाटर टेम्परेचर एंड आपका ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, ये सब चेक करना पड़ता है जब लोकोमोटिव ऑपरेशन में है। आप कोई भी डीजल इंजन, कोई भी व्हीकल आप जब ऑपरेट कर रहे हो, आपको पैरामीटर्स ऑलवेज फॉलो करना पड़ता है। तो डीजल इंजन स्टार्ट करने के पहले हम लोग लूब ऑयल लेवल को हम लोग चेक करेंगे, जो लूब ऑयल लेवल ठीक है क्या, फुल है क्या। तो इसके बाद हम लोग कंप्रेसर ऑयल को चेक करेंगे, ट्रांसमिशन ऑयल को चेक करेंगे। ओके, सो ये सब चेक करने के बाद हम लोग स्टार्ट करने का प्रोसीड्योर चालू करेंगे। सो देखिए, लोकोमोटिव 4 टाइप का है, एक डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव, एक डीजल इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव, एक इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव, बैटरी ऑपरेट लोकोमोटिव। ओके, सो ये वर्शन जो है डीजल हाइड्रोलिक वर्शन है। डीजल हाइड्रोलिक वर्शन को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक फ्लेम प्रूफ वर्शन, एक नॉन फ्लेम प्रूफ वर्शन। फ्लेम प्रूफ वर्शन ये वाला लोकोमोटिव है जो रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर, दिस टाइप ऑफ सेक्टर में यूज किया जाता है। सो हम लोग क्या है, इसमें बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग 5 kg से 6 kg का हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर के लिए ये पाइपलाइन को जो भी लगाया है। सो इसका मतलब क्या है, सेल्फ स्टार्टर जो है ये एयर सेल्फ स्टार्टर है। ओके, सो 5 से 6 kg एयर प्रेशर चाहिए एयर सेल्फ को, इंजन को घुमाने के लिए। ओके, सो हम लोग अभी देखिए, ये जब भी 5 से 6 kg हो गया, हम लोग एक टॉगल वाल्व को इधर आपको खींचना पड़ता है। मतलब आपने क्या किया, एयर सर्किट सिस्टम का गेट को ओपन कर दिया। ओके, जो कि सेल्फ स्टार्टर तक एयर प्रेशर जा पाए और इंजन को घुमा पाए। ओके, सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस हो जाए। सो जब भी 5 से 6 kg का प्रेशर हो गया, तभी इंजन स्टार्ट पुश बटन प्रेस करके आपको स्टार्ट करना है, सेल्फ स्टार्टर को घुमाना है। तो वो इंजन का फ्लाई व्हील को घुमा के इंजन को स्टार्ट करेगा, डीजल इंजन को। ओके, सो डीजल इंजन स्टार्ट होने के बाद एक्सटर्नल एयर प्रेशर को हटा देंगे। ओके, उसके बाद हम लोग इंजन को रन करने के लिए टोटल प्रोसेस चेक कर लेंगे। तो अभी पैरामीटर हम लोगों को चेक कर लेना है, जो सब पैरामीटर का जो भी रीडिंग है ये सब सही है क्या। जैसे लूवल प्रेशर 4 से 5 kg के अंदर रहना चाहिए एंड टेम्परेचर भी 60 डिग्री सेल्सियस, 55 to 60 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहना चाहिए और ट्रांसमिशन ऑयल प्रेशर भी सही होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग इसको ट्रांसमिशन को पावर दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन में ट्रांसमिशन को पावर दिया एंड पावर देने के बाद हम लोग इसको अभी फॉरवर्ड मूवमेंट में हम लोग लेके जा रहे हैं। तो ये ट्रांसमिशन का काम क्या है, फॉरवर्ड रिवर्सिंग के लिए ये ट्रांसमिशन है। तो अभी ये देख रहे हैं फॉरवर्ड मूवमेंट में लोकोमोटिव चल रहा है।
ये कुछ ऑयल रिजर्वर व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही नाइस व्यू है। सो ये ब्रेकिंग अप्लाई हो रहा है, ब्रेकिंग SA1 वाल्व द्वारा अप्लाई हो रहा है। और भी आप स्क्रीन पे अभी वाल्व देख सकते हो दो टाइप का। ये ब्रेकिंग वाल्व नॉर्मली लोकोमोटिव में रहता है, बट ये जो लोकोमोटिव में अभी वीडियो बना रहा हूँ ये लोकोमोटिव बहुत पुराना है, तो इसमें पहले जमाने का ब्रेकिंग लगा हुआ है, ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो कंप्रेसर का इसमें काम क्या है, कंप्रेसर का जो भी हमारा ब्रेकिंग सिस्टम ऑपरेट हो रहा है ये एयर ब्रेकिंग सिस्टम है, तो ये एयर को जेनरेट कर रहा है कंप्रेसर, ओके। प्लस जो हॉर्न है, जो आपका वाइपर सिस्टम है, ऐसे कुछ बेसिक सिस्टम कंप्रेसर का एयर का जरूरत है, इसलिए कंप्रेसर है, ओके। सो इसके अलावा भी लोकोमोटिव में और भी बहुत सारा चीज़ें, जैसे गियर बॉक्स है, आपका फैन गियर बॉक्स नीचे वाला पोर्शन में फाइनल ड्राइव होता है, मतलब वो भी गियर बॉक्स से, ओके। सो बेसिक सिंपल फंडा क्या है, हम इंजीनियरिंग फंडा को समझते हैं, डीजल इंजन पावर जनरेट कर रहा है, वो ट्रांसमिशन को पावर दे रहा है, ट्रांसमिशन को पावर देने के बाद ट्रांसमिशन आपका नीचे फाइनल ड्राइव को पावर दे रहा है, मतलब गियर बॉक्स को पावर दे रहा है, और वो गियर बॉक्स अपना व्हील को पावर दे रहा है, और व्हील पावर जनरेट होके वो आगे पटरी पे चल रहा है, ओके। सिंपल फंडा ये है। और साथ में इसी में से कंप्रेसर भी, कोई भी इंजन और ट्रांसमिशन द्वारा कंप्रेसर को पावर मिल रहा है, और कंप्रेसर घूम के वो भी सक्शन कर रहा है एयर, और वो एयर अपना बिल्ड कर रहा है, बिल्ड करके सर्कुलेट कर रहा है एयर, ओके। तो बेसिक फंडा समझ में आ गया शायद आप लोगों को। अब ये देख रहे हैं, वीडियो में देख सकते हैं जो एयर को ड्रेन कर रहा है इंजन बंद हो जाने के बाद, एक्चुअली क्या है ये क्यों ड्रेन करना पड़ता है, पानी वानी जो भी लाइन में रहता है वो सब ड्रेन हो जाता है, क्योंकि वो अब स्टोर हो जाएगा तो वो सब लाइन में बहुत सारा वाल्व में पानी चला जाके मॉइस्चर वगैरह बनेगा और वाल्व को लॉस कर सकता है, ठीक है ना। सो आप नीचे वाला पोर्शन थोड़ा देख सकते हो, ये फाइनल ड्राइव है, ये व्हील्स वगैरह है, तो ये फाइनल ड्राइव का दो पोर्शन में व्हील लगा हुआ है, जैसे आपको समझाया था। और बाद बाकी ये नीचे वाला पोर्शन है। तो बेसिक चीज आप लोगों को आई होप समझ में आया है, ऐसा ही बहुत सारा वीडियो में लेके आऊंगा, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा इंजीनियरिंग फंडा वाला मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, ओके। थैंक यू।